हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितना टेस्टी स्वादिष्ट डिलीशियस सी रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है। आपको लग रहा है कि सेवई है तो बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये बिल्कुल अलग बना हुआ है। काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट बनता है और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको बनाने के लिए आप 1 लीटर दूध पहले चढ़ा दीजिए, उसका आँच धीमा कर दीजिए। धीमा आँच करने के बाद आप गेहूँ के आटे को अच्छी तरह से छान लीजिए। छानने के बाद उसको गूंथ लीजिए। फिर सेवई बनाने वाला आप मशीन लीजिए और उसमें आटे को डाल दीजिए। आटे को जिस तरह से आप रोटी का आटा बनाती हैं उसी तरह से आपको आटे को गूंथना है, न उससे कड़ा और न ही उससे ढीला गूंथना है। और गूंथ करके आप इसको 2-3 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए। फिर सेवई बनाने वाले मशीन लीजिए। अगर सेवई बनाने वाले मशीन नहीं है तो आप एक प्लास्टिक का थैली लीजिए और उसमें आटे को भर लीजिए। फिर उस कोन को हल्का सा काट दीजिए। काटने के बाद तब आप इसको बना सकती हैं। अब बनाने के लिए देखिए, अच्छी तरह से इसका ढक्कन टाइट कर दीजिए। ये छन्नी है जिससे आटा छानते हैं, इस पर हल्का सा आटा इस पर डस्ट कर दीजिए। उसके बाद उसको इस तरह से चलाइए, जिस तरह से आप बेसन का सेव बनाती हैं उसी तरह से आपको इसको बनाना है। इस तरह से आप बने, बहुत लंबा नहीं बनाना है। आप चाहें तो लंबा भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको छोटे छोटे ही बनाऊंगी। और बना करके इस चलनी पे आप रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपको लग रहा है कि ये चिपक गया है, लेकिन ये चिपकेगा नहीं। दूध में जाते ही एक एक कली इसका खुल जाएगा और खुल करके खिल जाएगा और देखने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके ये तैयार होगा। किस किस ने इसको खाया है बताइएगा। बहुत पहले ये बनता था, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेवैयाँ नहीं मिलती थी तो ये इस तरह से बनाया जाता था। अब देखिए, मैं आपको प्लेट में भी बना करके बता रही हूँ। प्लेट में भी बना करके आप इसी तरह से रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ना आपको इसको तलना है, ना भूनना है और ना ही धूप में सुखाना है। आप इसको डायरेक्ट बना सकती हैं। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इसको थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए और ये सूख जाए, तब एक पॉलिथीन में आप इसको स्टोर करके रख लीजिए और जब आपका मन करे फटाफट आप इसको बना सकती हैं। इस तरह से बना करके और आप धूप में भी रख सकती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एक बार आप बनाएंगी तो आप स्वयं ही जानेंगी किस तरह से इसका कैसा अच्छा, कितना स्वादिष्ट इसका टेस्ट है। मार्केट की सेवई और ये बनाएंगी तो दोनों में काफ़ी आपको अंतर लगेगा। मार्केट की सेवई से ज़्यादा ही अच्छा, पौष्टिक और स्वादिष्ट बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल आपको नहीं मिलेगा। बन गया है। अब चाहें तो आप इसको धूप में भी सुखा करके स्टोर कर सकती हैं। देखिए, दूध को मैंने चढ़ा दिया था, दूध धीरे धीरे खौलने लगा है और आप चाहें तो और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। मैं 1 कटोरी आटे से इसको बना रही हूँ। अब बनाने के बाद खौलते हुए दूध में डायरेक्ट इसको छन्नी से उठाइए और डाल दीजिए। आपको न इसको घी तेल में रोस्ट करना है और न ही इसको धूप में सुखाना है, डायरेक्ट इसको बनाना है। इससे काफ़ी खिला खिला और काफ़ी स्वादिष्ट ये बन करके तैयार होता है। एक बार इसमें डालिए और डालने के बाद इसको ढक दीजिए। ढक करके 2-3 मिनट पकाइए। जब ये पक जाए तो फिर दोबारा बैच इसमें डाल दीजिए। दोबारा आपने जो और सेवैयाँ बनाई हुई हैं वो इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा जब ये बॉइल्ड होने लगे तभी आपको चलाना है, तुरंत नहीं चलाना है। तुरंत चलाएंगी तो ये उसमें टूट करके आटे की तरह हो जाएगा। देखिए, दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पहला वाला 5 मिनट तक खोल गया है, वो टूटने का डर नहीं है। अब मैं दूसरा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी 5 मिनट तक इसी तरह से खोलाना है। जब ये खोल जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, तब इसको आप किसी चम्मच या पलटे या कलछुल किसी भी चीज़ की सहायता से इसको चला दीजिए। चलाने के बाद एक एक परत ये खुल जाएगा, सेवैयाँ सारी खुल करके अलग अलग हो जाएंगी और पक करके काफ़ी खिली खिली आपको नजर आएंगी। देखिए आ रहा है ना कितना खिला खिला, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार अगर आप बना लेंगी तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। अब इसमें आप 8-10 इलायची का पाउडर,
पीस करके डाल दीजिए। आप चाहें तो खड़ी इलायची भी थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इलायची को कूट करके डाला है। और दो चार दाने काली मिर्च के कूट करके उसी में डाल दीजिए। ये देखिए मैंने सुखाने के लिए इसको बनाया है, इसको धूप में सुखा करके रख दूंगी, और जब भी मुझे बनाना हो मैं डायरेक्ट दूध चढ़ाऊंगी और उसमें खोलने के बाद डाल दूंगी। अब ये खोल गया तो इसमें आप चीनी डाल करके पका लीजिए। जब थोड़ा सा सेवई पक जाए तो स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए और ऐड करके इसको थोड़ी देर और पकाइए, फिर इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको इसमें नारियल डालना है। नारियल को आपको घिसना नहीं, इसी तरह से मोटे मोटे कट करके डालना है, और कच्चा नारियल डालना है, सूखा वाला नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आप बना करके खा करके तभी हमारा कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल है ना अलग अलग टेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट।